आपने कभी सोचा है कि अब तक भगवान राम के भक्त अयोध्या जाकर जो चढ़ावा चढ़ाते थे वो कहाँ रखा जाता था? आपको भले अजीब लग रहा हो, लेकिन राम के भक्तों का चढ़ावा कारागार में डबल लॉक में सुरक्षित रखा जाता था। भूमि पूजन के अतिथियों के लिए किस तरह के पंडाल बनाए गए हैं, ये सारी बातें देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इन दिनों अयोध्या में अद्भुत रामलीला रची गई है। एक ऐसी रामधुन बज उठी है जिसमें 500 वर्षों के संघर्षों के नाद हैं। राजा राम के अयोध्या में उल्लास की ऋतु घिराई है। अयोध्या नगरी को आपको देखना है अगर, तो यहां से देखिए और आपको पता चलेगा कि जो धर्म ध्वजाएं लहरा रही हैं और पीले रंग से रंगी हुई अयोध्या नगरी दिख रही है, तो वो कैसी तस्वीर है? वो पूरा मार्ग यहां से आपको साफ साफ दिखता है। तो पीले रंग का कई कारण है। एक कारण आप देखिए, वहां जब देखेंगे तो आपके नेत्र जो है सुखमय हो जाएगा। दूसरी चीज आप देखेंगे कि उसमें विभिन्न भगवान से जुड़े हुए कलाकृति बनना है, वो जब बनता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और तीसरी बात, भगवान को अति प्रिय है, इसके नाते देखिए भगवान के साथ साथ पूरी अयोध्या पीलामय वातावरण में है। अयोध्या में सबसे ऊंची है हनुमान गढ़ी की ये छत, यहाँ से पूरी अयोध्या दिखती है। लेकिन अब अयोध्या के रखवाले हनुमान जी के प्रभु राम खुद विराजने आ रहे हैं अपने भव्य दिव्य भवन में, अपने मंदिर में। तो उनके मंदिर की बात ही कुछ और होगी। हम लोग की मांग थी, जब ट्रस्ट का गठन हुआ, ट्रस्ट के लोगों से हम लोगों ने प्रार्थना किया कि राम जन्मभूमि गगन चुम्बी बने, कि देखने में जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, पार ब्रह्म परमात्मा और राजा थे, राजा का अनुरूप बनना चाहिए। लेकिन हम लोग की मांग थी कि भगवान श्री राम जिनके भजन में, जिनके मनन में हनुमान जी मस्त रहते हैं, विलीन रहते हैं, लीन रहते हैं, उनकी सरकार की भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। अयोध्या में राम का मंदिर भले अब तक अस्थाई रहा हो, लेकिन राम की भक्ति तो अस्थाई नहीं हो सकती थी। अयोध्या में प्रभु राम को भेंट आती रही है। उनका अपना भवन नहीं था तो अयोध्या के प्रशासन ने अयोध्या की जेल में डबल लॉक में प्रभु राम की चीजें रख दी थी। प्रभु श्री राम को कोई अपनी श्रद्धा से चावल का एक दाना भी दे दे, वो भी स्वीकार हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर जो जिला कोषागार है उसके डबल लॉक के सामने मौजूद हैं, और ऐसा समझिए कि यहाँ पर इतने सालों में, यानी कि विवाद के सालों के बाद से जितनी भी चीज़ें लाई गई वो श्री राम के लिए चूंकि और कहीं रखी नहीं जा सकती थी, तो पूरी तरीके से सुरक्षा के साथ यहाँ पर रखा गया है। डबल लॉक, सीधे से शब्दों में देख लीजिए तो दो ताले यहाँ पर लगाए जाते हैं, लेकिन इसके भीतर जो प्रशासनिक अधिकारी हमें जानकारी देते हैं उसके अनुसार 230 ग्राम गोल्ड, 5019 ग्राम सिल्वर और 1531 ग्राम बाकी धातु, बाकी बहुमूल्य धातु इसमें है। 2002 में जो एक तरह से कहा जाए राम मंदिर निर्माण आंदोलन के अगुआ थे रामचंद्र परमहंस, उन्होंने ये शिला लेके दान करने के लिए आगे निकले और ये राम जन्मभूमि परिसर में ले जानी शिलाई जानी थी। लेकिन हुआ क्या था कि उसके पहले गोधरा कांड हुआ था और कई चीजें थी, थोड़ा सा टेंशन का माहौल था, इसलिए शत्रुघ्न सिंह जो पीएमओ कार्यालय में एक अयोध्या स्थल के इंचार्ज थे, उन्होंने वो यहाँ आए और उन्होंने इस शिला को अपने पास लिया। लेकिन चूंकि उस समय कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, इसलिए शिला को राम जन्मभूमि परिसर नहीं ले जा सकता, इसलिए डबल लॉक कोषागार में रखा गया। अयोध्या के 5 अगस्त के भूमि पूजन से पहले सोमवार को ही मंदिर निर्माण का अनुष्ठान शुरू हो चुका है। अयोध्या के राजा की पदवी रखने वाले विमलेंद्र मोहन मिश्र ने, मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली और सीता के साथ अयोध्या आई छोटी देवकाली की पूजा करवाई। कैसा वो अनुभव होता है जब एक राजा भी नतमस्तक हो जाता है अपने आराध्य के सामने? देखिए, आज के जमाने में राजा नहीं हूँ, मैं एक साधारण नागरिक हूँ और आराध्य तो आराध्य होता है, राजा और रंग सबके लिए। और आज माँ सीता की कुलदेवी छोटी देवकाली जो अयोध्या में स्थित है, उनका मैंने पूजन किया और तत्पश्चात मैं भगवान श्री राम की कुलदेवी माँ बड़ी देवकाली का भी पूजन किया। जैसे ही गणेश लक्ष्मी की पूजा शुरू हुई गौरी गणेश जी परिसर में, उसके बाद मैंने ये पूजा किया है, क्योंकि कुलदेवी का पूजा किसी भी उसके लिए धार्मिक अनुष्ठान के लिए बहुत ही आवश्यक है। भूमि पूजन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा संत महात्मा और चुनिंदा विशेष अतिथि आ रहे हैं। उनके बैठने के लिए विशेष पंडालों की व्यवस्था की गई है।
व्यवस्था है यहाँ पर भूमि पूजन की, वो भी हम आपको दिखाते हैं किस तरह के टेंट्स लगाए गए हैं और आगे कैसी व्यवस्था है। तो आप अगर बाईं ओर देखेंगे तो आपको वो टेंट नजर आएगा जिसके नीचे भूमि पूजन का जो पूरा आयोजन है, पूरा कार्यक्रम है, जहां पर संपूर्ण देश से आए हुए प्रकांड पंडित बैठेंगे और वहां पर मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन का जो पूरा आयोजन है वो संपन्न होगा। और साथ ही सुरक्षा की जो रेखाएं आप देख रहे हैं यहां पर, जो पीले ग्रिल्स हैं, वो हमेशा हमेशा यहां पर उस भूमि को रेखांकित करने का जरिया रहे हैं। अब सबको बस उम्मीद है कि अच्छे से यहां पर पूजा पाठ हो। विवाद का जो टैग है वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खत्म हो चुका है, लेकिन अब अयोध्या एक नए सवेरे का इंतजार कर रही है, अपने रामलला की सदियों सदियों के वनवास को पूरे होने की प्रतीक्षा कर रही है। बनवीर सिंह और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, अयोध्या आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।